दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एयरटेल एक्स स्ट्रीम क्या है और इसे आप लोग कैसे चलाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि एयरटेल एक्स स्ट्रीम एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मूवी, बहुत सारे TV शो और बहुत सारे कार्टून आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे आप लोग बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हो और यहाँ पे आप लोग पैसे देकर भी देख सकते हो। तो कैसे यूज करना है सारी चीज़ें मैं आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग एयरटेल एक्स स्ट्रीम को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसे आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग कट करोगे तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आप लोग यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्टर करने का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में आप लोग कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे डाल देना होगा। डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग का लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट योर लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग एयरटेल एक्स स्ट्रीम का यूज़ करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर हिंदी और भोजपुरी कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग का प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा, वेलकम ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग का जो होगा मोबाइल नंबर होगा इसे आप लोग एडिट भी कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग आपका नाम लिखने का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम डाल सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ऊपर में मोबाइल नंबर मिल जाएगा और नीचे में यहाँ पे आप लोग अपना नाम डाल सकते हो। उसके नीचे में यहाँ अगर आप लोग अपना ईमेल डालना चाहते हो तो ईमेल डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डेट ऑफ बर्थ डालने में, लेकिन अगर आप लोग सीख जाओगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आप लोग अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यह अपडेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यह अपडेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को होम पेज, सर्च और मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। होम पेज पे आप लोग को बहुत सारे चैनल देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद टीवी शो यहाँ पे मिल जाएंगे। एयरटेल एक्सस्ट्रीम पे आप लोग काफ़ी सारे टीवी शो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मूवी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो केवल यहाँ पर आप लोगों को मूवी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा कार्टून देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रीमियम का ऑप्शन आ गया है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग केवल प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी पैसे देकर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे में भी सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ऊपर में भी आप लोग सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों का वॉइस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप लोग बोल के भी सर्च कर सकते हो। और मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे सेटिंग भी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग एयरटेल एक्स स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सारे चीज़ अगर आप लोग टीवी में कनेक्ट करना होगा तो ऊपर में आप लोग को डाउनलोड के बगल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपने टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि किसी तरह का वीडियो आप लोग के इस चैनल पर हमेशा मिलता रहता है।